सो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पैन कार्ड किस तरह से अप्लाई करोगे। और जैसा कि मान लो आप अगर दुकान से पैन कार्ड को अप्लाई करते हो तो उसमें आपके 1 से 2 महीने लग जाते हैं पैन कार्ड घर तक आने में। और जैसा कि मान लो आपने अभी अप्लाई किया, अप्लाई करने के कुछ दिन के बाद आपको रिसीविंग मिलता है कि आपका पैन कार्ड रिलीज हो चुका है, आपके नाम पर ये नंबर अलॉटमेंट हुए हैं, ये पैन कार्ड नंबर आपका है। तो इसमें मेरे टाइम लग जाते थे 1 सप्ताह के बाद मुझको पैन नंबर मिलता था, सिर्फ ऑनली पैन नंबर। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि उससे अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर पैन कार्ड आप अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टेंट आप उसको तुरंत यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप उसको और कहीं भी यूज करना चाहते हो तो उसको उस पैन कार्ड को आप यूज कर सकते हो। गाइज, अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको इसी वीडियो के टाइटल बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ रहेगा, इस लिंक पे आपको 1 बार टैप करना है। और टैब करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टेंट पैन कार्ड, इस ऑप्शन पे आप टैब करना होगा। इस ऑप्शन पे टैब करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको गेट नाउ पैन कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको टैब करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, आपका अपना आधार का सीरियल नंबर जो होता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको इस कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। मैं एंटर करके आपको दिखलाता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया है और यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड एंटर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस टिक वाले ऑप्शन पे आपको टैब कर देना है। और उसके बाद करना क्या है, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको टैब कर देना है, जनरेट ओटीपी, इस पे मैं टैब करता हूं। उसके बाद कुछ ही देर के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंकेड था उस पर मेरा एक ओटीपी आया था। मैंने यहाँ पे अपने ओटीपी को फिल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे मैंने टैब कर दिया। और उसके बाद आधार ओटीपी पे मुझको टैब कर देना है इस ऑप्शन पे। और टैब करने के बाद थोड़ी देर मुझको वेट करना है। गाइज, आप यहां पे देख सकते हो कि मेरा पेज लोडिंग ले चुका है। यहां पे आपकी सारी डिटेल दिखाई जाएगी, जो आपके पैन कार्ड में फ़ोटो रहेगा वो फ़ोटो यहां पे दिखेगा। और यहां पे आपकी एड्रेस और यहां पे सारी डिटेल आपकी अवेलेबल है, आप सारी चीज़ यहां से चेक कर सकते हो। फोटो सारी चीज़ आप यहां से देख सकते हो एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप यहां से देख सकते हो, इस जगह पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। और उसके बाद मुझको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मुझको टिक करना है, एक्सेप्ट दैट पर मुझको टैब कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर मुझको क्लिक करके यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर मुझको टैब करना है। और उसके बाद यहाँ से फाइनली मेरा पैन कार्ड इशू हो चुका है मेरे नाम पे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इस मैसेज को। और ये रहा मेरा अलॉटमेंट नंबर, जो मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। जैसा कि अगर हम ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो ये मेरा है एप्लीकेशन नंबर, इस नंबर को मैं सेव करके रख लेता हूँ, या आप भी इसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैं आपको अब इसी में आपको करना क्या है, यहाँ पे होम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको टैब करना है। टैब करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है और फिर से उसी जगह पे जाना है जिस जगह पे मैंने इंटर किया था। इंस्टेंट पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको टैब करना है। और टैब करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको चेक स्टेटस एंड पैन कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड पैन कार्ड, इस ऑप्शन पे आप टैब करना है। टैब करने के बाद यहाँ से आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने आधार कार्ड को एंटर कर देना है, जो भी आपका आधार नंबर हो। मैंने अपना आधार नंबर एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मुझको अपना ये कैप्चा कोड एंटर करना है। यहाँ पे मैं कैप्चा कोड एंटर कर लेता हूँ। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपनी सारी डिटेल को फिल कर दिया है, जैसा कि मेरा ये आधार नंबर हो गया जिससे मैंने इस पैन कार्ड को अप्लाई किया था अभी आपके सामने। और ये रहा मेरा कैप्चा कोड। और उसके बाद ये सबमिट वाले ऑप्शन पे मुझको टैब करना है। और टैब करने के बाद मुझको कुछ सेकेंड सिर्फ वेट करना है। और वेट करने के बाद यहाँ पर मेरे नंबर पर एक वेरीफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को मुझको यहाँ पर एंटर कर देना है। और गाइज, मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दिया है। और उसके बाद मुझको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैब करके इस पैन कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। मैं आपको पैन कार्ड अपना डाउनलोड करके और ओपन करके दिखलाऊंगा। यहाँ पे मैंने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैब किया। टैब करने के बाद ये पेज मेरा डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड मांगा जा रहा है, ये पासवर्ड मेरा कम्प्लीट डेट ऑफ बर्थ है, जैसा कि मान लो 1/1/2001 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर आपको एंटर करना है 01/01/2001, इसको एंटर करके आपको ओके बटन पे टैप कर देना है, ये आपका अनलॉक हो जाएगा। और गाइज, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पैन कार्ड बन चुका है और ये मेरे नंबर पे इशू भी हो चुका है।
गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपके सामने पैन कार्ड कितना आराम से अप्लाई किया और यहाँ पे डाउनलोड करके ओपन भी कर लिया। मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखला दूँ, यहाँ पे ये रहा मेरा पैन नंबर और यहाँ पे सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से अपना सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो और चाहो तो उसको स्टंट प्रिंट आउट करा करके आप इसको तुरंत यूज़ भी कर सकते हो। गाइज आपने यहाँ देखा मैंने आपके सामने ही पैन कार्ड को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ओपन करके भी दिखलाया कि किस तरह से मैंने इसको डाउनलोड किया, अप्लाई किया और इंस्टेंट मेरे नाम पे ये अलाउड भी हो चुका है ये पैन कार्ड। और ये रहा मेरा पैन नंबर और ये रही मेरी सारी डिटेल्स। और गाइज इसी तरह से अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, एक मिनट के अंदर अंदर ये पैन कार्ड आपके हाथ में होगा, आप अप्लाई करके इसको एक बार ट्राई जरूर करो। गाइज इस वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके नीचे ही मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और गाइज अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं रिलेटेड एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, जैसे कि पैन कार्ड आपको घर पे कैसे मंगवाए और पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस से किस तरह से मंगाए हार्ड कॉपी, इसके रिकॉर्डिंग में मैं एक वीडियो क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो। और गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को ऑन कर देना। ओके गाइज थैंक फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय, टेक केयर।